नमस्कार, निशा नाव में मैं संगीता झा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिहार के मुंगेर जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित किया गया शपथ ग्रहण। डीएम रचना पाटिल ने कहा कि जिले के सभी बीएलओ यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन युवकों की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उनका नाम निश्चित रूप से मतदाता सूची में जोड़ा जाए। जिले के एसपी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी। इसके बाद संग्रहालय सभागार में उपस्थित सभी लोगों को अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाई गई तथा कुछ चिन्हित ने मतदाताओं के बीच मतदाता पहचान पत्र भी वितरित किया। मताधिकार का जो मिला है ये पावर अच्छे सही रूप से प्रयोग किया जाए ताकि वह आने वाले समय में मतलब जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो उसके लिए कर सकें। क्या नाम आपका? घर कहाँ हुआ? जमालपुर। कौन सा संख्या? 173। मेरा नाम अंकिता सिन्हा है। आज मतदाता दिवस है और इस दिवस पर मुझे आज मतदान देने का हक प्राप्त हुआ है और मैं इस हक को अच्छे से निभाऊंगी और आने वाले चुनाव में मैं अपना वोट अवश्य ही दूंगी और मुझे हक प्राप्त होकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सो आप सभी का शुक्रिया। घर कहाँ पे? लाल दरवाजा मुंगेर। बूथ संख्या? 26। इलेक्शन ऑफिसर मुंगेर यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित बीएलओ जिनको भी सम्मानित किया गया है जिनकी मेहनत से जो कि बुनियाद है पूरे तंत्र का जो नए वोटर्स को जोड़ते हैं यहाँ पे जो नए मतदाता आज जुड़े हैं जिनको एक एक कार्ड मिला है सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। आज आप लोगों का एक तरह का इनिशिएशन हुआ है लोकतंत्र में। हम लोग कल गणतंत्रता दिवस अपना मनाएंगे और ये जो गणतंत्र और लोकतंत्र की बुनियाद है वो है निर्वाचन। ये सबसे बड़ी शक्ति है जो हर एक नागरिक को हम लोगों को हमारे संविधान ने दी। भारत एक ऐसा देश था जिसने स्वतंत्र जब हुआ 1947 में तो उससे पहले और भी विकसित लोग थे चाहे यूरोप में थे चाहे अमेरिका में थे। लेकिन जो एडल्ट सफरेज हम जिसको बोलते हैं एडल्ट सफरेज होता है कि प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर है चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो दिव्यांग हो सभी को वोट का और मत का अधिकार दिया गया। इवन अमेरिका में इस अधिकार को लेने के लिए महिलाओं के द्वारा बहुत एहतजाज किया गया था उनके द्वारा एक आंदोलन चला। तो ये हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी का संकेत है और जो हम लोगों के फोर फादर हैं जिन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई उन लोगों की दूरदृष्टि उन लोगों ने यही सोचा कि जब तक हम अपने प्रत्येक नागरिक को इसके लिए सशक्त नहीं करेंगे तो जो एक प्यास राई लगाई जा रही थी कि भारत जैसे ही आज़ाद होगा इसमें इतनी विविधताएं हैं इसमें इतने विवाद और अपवाद हैं इतने ज़्यादा इसमें विभाजनकारी शक्तियां हैं कि कभी भी सफल नहीं होगा और ये देश टूट जाएगा। आज जब हम लोग देखते हैं हमारा लोकतंत्र प्रत्येक दिन और सशक्त होता है। अभी आप लोगों ने टीवी चैनल्स पे देखा होगा जब अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका को सबसे सशक्त सबसे डायनेमिक सबसे रोबस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है लेकिन 4-5 जनवरी की जो घटनाएं हुई कैपिटल हिल पे जो उनकी संसद के वजह से हमारी संसद उनकी संसद की थी तो एक गर्व महसूस होता है कि हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र की जो परंपरा है वो इतनी इनबिल्ट हो गई है। प्रत्येक नागरिक को उसके अपना सम्मान करता है प्रत्येक जो राजनीतिक दल उसका सम्मान करता है। इस तरह की परिस्थिति हम लोग भारत में अब ना ही कभी देखे हैं और ना ही कभी हम लोग देखेंगे क्योंकि इस जो ये पूरा तंत्र है इसके ऊपर लोगों का विश्वास हो चुका है और इस विश्वास को बनाने के लिए बहुत सशक्त रूप से कार्य किया जाता है सभी वर्गों के द्वारा। भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसको जो इसमें डायनेमिज्म है प्रत्येक बार ये कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जैसे अभी आपने सभी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत ही
सरल शब्दों में आप सबको लोकतंत्र में आपकी क्या भूमिका है इसके बारे में बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आप एक सशक्त मतदाता के रूप में उभरेंगे। जब जिले का रेशियो देखा गया कि महिला मतदाताएं कितनी हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, तो ये देखने में आया कि प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो ये जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार हम मतदान के क्रम में पुरुष मतदाताओं के साथ साथ महिला मतदाताओं की भी संख्या को बढ़ाएं। तो इस बार के जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी बीएलओस को ये टारगेट दिया गया था कि वो अधिक से अधिक संख्या में ऐसे सभी छोटे महिला मतदाताओं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनको इस प्रक्रिया के तहत जोड़ेंगे, और ये कार्य हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 848 महिला मतदाताओं की संख्या थी उसमें कुछ सुधार हुआ होगा, क्योंकि ये अभी अंतिम चरण में है और 15 फरवरी को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ इसमें सुधार होगा, लेकिन फिर भी अभी जिले के हिसाब से मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को जितने भी महिला मतदाता हैं या जो 18+ हो गई हैं उनको जोड़ना है, उनको इस पूरे मतदान प्रक्रिया में शामिल करना है। तो ये अभी भी हमारे लिए मुख्य चुनौती है। इसमें सभी बीएलओ जो यहाँ उपस्थित हैं और जो मुझे आने वाले समय में सुनेंगे और ये जहाँ तक मेरी बात जाएगी सभी लोग, सभी हमारे मतदाता जिनके घर में बच्चियाँ 18+ हो गई हैं, सभी बीएलओ, क्योंकि आप प्रारंभिक नींव है नए मतदाता जोड़ने के लिए, नाम सुधारने के लिए, डिविजन के लिए। तो आप इतने सशक्त हैं कि बीएलओ के माध्यम से ही हम नए मतदाता जोड़ते हैं। तो पुनः चूँकि महिला मतदाताओं की संख्या कम थी, मैंने बताया ये समस्या है, चुनौती है, तो मुझे लगता है कि आप सभी के सहयोग से हम लोग इस समस्या का समाधान धीरे धीरे कर पाएंगे। और जैसा कि इस बार की थीम है, अभी आप लोगों ने जो भाषण सुना है, सुरक्षित जागरूक सतर्क मतदाता, मैं कहूँगी कि आप लोग की सतर्कता, आप लोगों की जागरूकता के चलते ही हमारा लोकतंत्र सशक्त है आपसे, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है आपसे। आप अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा, सुरक्षित होगा। और इस कोरोना टाइम में जिले के सभी लोगों ने मिलकर इतने बड़े चैलेंज को कि हम इस कोरोना टाइम में कैसे इलेक्शन करवाएंगे, आप सभी लोगों के सहयोग से बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। ये सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, अभी तो पूरे विश्व के लिए भी आकर्षण का मुद्दा था बिहार इलेक्शन, लेकिन आप सभी जागरूक मतदाताओं और प्रशासनिक तंत्र की मजबूती के चलते और आप सभी के सहयोग के चलते इतना बड़ा इलेक्शन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। और आने वाले समय में, चूँकि आज नई मतदाताएँ कड़ी से जुड़ रही हैं, नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में पंचायत इलेक्शन होने वाला है। सर ने भी बताया है कि इसमें बहुत अधिक वोटर टर्नआउट होता है, तो मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है। और आज हम सभी ने शपथ भी ली है, एक मतदाता के रूप में हमने शपथ ली है कि हमारे क्या दायित्व है, ये आप सब समझ चुके हैं कि बिना किसी प्रलोभन के, धर्म जात पात किसी भी सोच से आगे उठकर अपने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, अपने देश की नींव को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल की खबरों के साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।